तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के समर्थन में जारी प्रदर्शन और उग्र हो गया है। पुलिस कार्रवाई से नाराज प्रदर्शनकारियों ने आज आइस हाउस पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी और पुलिस वालों पर पत्थरबाजी भी की, जिसमें 20 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। इससे पहले आज सुबह पुलिस ने मरीना बीच पर जुटे प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाया था। जल्लीकट्टू पर लगी रोक हटाने के लिए अध्यादेश लाने के बाद भी लोग पिछले 6-7 दिनों से मरीना बीच पर जुटे हुए हैं, लेकिन आज सुबह पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन खत्म करने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा। लाठी चार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। पुलिसकर्मी यहां जब इन प्रदर्शनकारियों को हटा रहे थे, तब वो लोग राष्ट्रगान जन गण मन गाने लगे। लाठीचार्ज के बाद पूरा इलाका खाली करा लिया गया है। चेन्नई के अलावा मदुरई, कोयम्बटूर और त्रिची से भी प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मरीना बीच की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। वहीं लोगों को इलाके के पास इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। पुलिस के रुख को लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी जल्लीकट्टू पर स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। इनका कहना था कि ये अध्यादेश तो 6 महीने के बाद निरस्त हो जाएगा, इसलिए सरकार इस पर एक स्थायी कानून बनाए। वहीं प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ विधानसभा से डीएमके ने वॉकआउट किया। लोकतांत्रिक रूप से प्रदर्शन कर रहे लोगों को बलपूर्वक हटाने के लिए डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन ने सरकार की निंदा भी की है। तो जल्लीकट्टू की मांग को लेकर दक्षिण जल रहा है। ये प्रदर्शन और तेज हो गया है और हिंसक रूप ले चुका है। ये प्रदर्शन और उग्र ना हो, ऐसे में जल्द से जल्द इस मामले पर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। देखते रहिए डीबी लाइव।